हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि थंबनेल को देख के आपको कुछ आइडिया तो हो ही गया होगा कि आज का मेरा जो वीडियो का टॉपिक है वो क्या रहेगा। दोस्तों, बीते कुछ महीनों में बहुत सारी न्यूज़ ऐसी रही कि बहुत सी कार कंपनीज़ ने अपने डीजल इंजन्स को बंद करने के ऐलान किए, स्पेशली उन डीजल इंजनों को जो कि काफ़ी छोटे साइज़ के थे। ऐसा क्यों हुआ उसके बारे में भी आप बहुत अच्छी तरह से जानते हो कि 2020 अप्रैल में जो हमारा BS6 नॉर्म्स आने वाले हैं उसके अकॉर्डिंगली वो पुराने डीजल इंजन्स नहीं सूटेबल रहेंगे, वो BS6 कंप्लाइंट नहीं रहेंगे। तो कार इंडस्ट्री की माँ कहलाने वाली जो हमारी इंडियन कार कंपनी है उसके बारे में भी आप सब जानते हो, मारुति सुजुकी, उसने सबसे पहले लॉन्च अपनी ये बात सामने रखी थी कि वो अपने डीजल इंजन्स बंद करने वाली है। बहुत सालों से मारुति सुजुकी जो अपने मेन डीजल इंजन को यूज़ कर रही थी उसके बारे में भी आप जानते हो, 1.3 लीटर जो कि मल्टी जेट इंजन जो कि फीएट सोर्स इंजन था, वो अब टाई अप काफ़ी देर से फीएट के साथ मारुति का ख़त्म हो गया है। ख़त्म हो ही जाना था ऑटोमेटिकली क्योंकि वो इंजन BS6 कंप्लाइंट नहीं था। और उसके बाद मारुति सुजुकी का फीएट के साथ फ़िलहाल अब तक कोई भी टाई अप नहीं हुआ है कि वो अपने इंजन्स मारुति को प्रोवाइड करेंगे। तो इस केस में मारुति ने अपना एक 1.5 लीटर डीजल इंजन जो कि 4 सिलेंडर इंजन है जो कि ऑलरेडी मारुति यूज़ कर रही है अपनी अर्टिगा में और अपनी सियाज में, वो प्रोड्यूस किया था, वो मैन्युफैक्चर किया था, लेकिन जिसको अब अभी तक हम एक ट्रस्टेड इंजन नहीं मान के चल सकते क्योंकि अभी तक उसने बहुत ज़्यादा अपनी परफॉर्मेंस वो बहुत ज़्यादा चला नहीं है एक्चुअली मार्केट में या रोड पे। 1-2-3 सालों में अपने रिजल्ट्स दिखाएगा, हो सकता है वो एक रिलायबल इंजन ना भी रहे जैसे कि मारुति की सैलरियों में उनका मारुति का अपना बनाया हुआ 2 सिलेंडर इंजन 800cc फेल हुआ था, ऐसा भी कुछ देखने को मिल सकता है। लेकिन मारुति को कंसर्न है कि वो कुछ डीजल इंजन्स अपने पास रखे ताकि वो अपने हायर सेगमेंट्स की गाड़ियों में वो डीजल इंजन यूज़ कर सके। तो ऐसा ही कुछ देखने को मिला हरियाणा के एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, जो कि मारुति का अपना एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, उसके आसपास एक गाड़ी स्पॉट की गई जो कि है वॉक्सवैगन की गोल्फ। बहुत से लोगों को इंतज़ार है कि शायद वॉक्सवैगन अपनी गोल्फ इंडिया में 2020 या इसके आसपास लॉन्च करे, इसके भी आसार अभी फ़िलहाल नहीं लग रहे। लेकिन ये गाड़ी जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो, ये गाड़ी रजिस्टर्ड है मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के नाम पे। वॉक्सवैगन गोल्फ जो कि इंडिया में नहीं है और ये गाड़ी मारुति सुजुकी के नाम पे रजिस्टर्ड है, ये एक आश्चर्य करने वाली, आश्चर्य देने वाली बात थी। मैं सल्यूट करूँगा हमारे एक मोटर एंथूसियास्ट हैं नितेश भटनागर जी, जिन्होंने ये इन्फॉर्मेशन निकाल के लेके आए, इवन कि उसके रजिस्ट्रेशन की कॉपी भी वो लेके आए, साथ उसकी एक पिक्चर लेके आए जिसको आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो। यहाँ पे बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि ये जो गोल्फ गाड़ी है मारुति सुजुकी के नाम पर रजिस्टर्ड है। क्यों रजिस्टर्ड है ये भी क्लियर है कि मारुति इस गाड़ी पे कुछ ना कुछ ट्रायल्स कर रही है या इसके इंजन को यूज़ कर रही हैं। गोल्फ में जो इंजन यूज़ हो रहा है वो 2 लीटर 4 सिलेंडर इंजन, जिसको उन्होंने अपना कोड नेम दिया है EA288, वो इंजन फ़िलहाल फिट है जो कि 2 लीटर इंजन की कैटेगरी में आता है और मारुति को फ़िलहाल ऐसे ही इंजन की ज़रूरत है। फिर भी इन सारे हालातों को देखते हुए कुछ 100% ये नहीं कहा जा सकता कि आने वाले टाइम में मारुति वॉक्सवैगन के साथ एक टाई अप करेगी इंजन्स को लेके। हाँ, अगर ये टाई अप होता भी है तो मुझे नहीं लगता कि ये एक सही निर्णय होगा, एक राइट डिसीजन होगा, क्योंकि वॉक्सवैगन के इंजन्स को आप सभी जानते हो माशाल्लाह, ये इंजन्स जो हैं TDI इंजन्स वैसे तो काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट हैं, लेकिन जब रिपेयरिंग की बात आती है, पार्ट्स की बात आती है, तो ये आपकी जेब ढीली नहीं करते, मतलब जेब को फाड़ ही डालते हैं। तो ये एक सही डिसीजन नहीं होगा क्योंकि इंजन कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से मारुति की गाड़ियाँ जो कि ज़्यादा पॉकेट फ्रेंडली नहीं रहेंगी, इसके प्राइस बढ़ जाएंगे।
जैसे जहाँ तक मेरा सोचना है कि मारुति ऐसा कोई डिसीजन शायद ना ही ले, क्योंकि मारुति एक ऐसा गेम चेंजर है जो कि कार इंडस्ट्री को काफ़ी हद तक चेंज कर सकता है, जो कि ऑलरेडी उसने बीते कुछ महीनों में चेंज किया भी है, लेकिन उसमें उसका अपना नुकसान भी काफ़ी हुआ है। जैसे कि सेल्स हर कंपनी की डाउन गई ही गई है, उसमें मारुति का भी शेयर काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज हुआ है। मेरा मानना तो ये है कि मारुति अपने कस्टमर्स को उलझाते हुए ये बताने की कोशिश करेगा इन फ्यूचर कि आप डीजल कार्स को प्रेफर ना ही करें तो अच्छा है। मारुति अपने कस्टमर्स को ज़्यादा उलझाने की कोशिश करेगी पेट्रोल कार्स में, और ज़्यादा से ज़्यादा वो सीएनजी के ऑप्शंस देना शुरू करेगी। जैसे कि कुछ न्यूज़ सुनने में आ रही थी कि मारुति अपनी डिज़ायर और बलेनो और शायद एक दो गाड़ियाँ और भी हैं जो कि सीएनजी के ऑप्शन में आगे लॉन्च करने वाली है। तो फिलहाल जैसा कि कार इंडस्ट्री में सिनेरियो चल रहा है, इसको देखते हुए हम कुछ भी नहीं कह सकते कि इन फ्यूचर क्या होने वाला है, कौन सी कंपनी पीछे जाने वाली है, कौन सी कंपनी आगे आने वाली है। लेकिन डेफिनेटली जो सिनेरियो चल रहा है उसको देख के तो पक्का ये लग रहा है कि मारुति ने जो मज़े इन पास्ट लिए थे वो मज़े अब वो शायद ही ना ले पाए, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। और इन फ्यूचर बहुत सारे ऑप्शंस आने वाले हैं, जैसे कि ह्यूंडई ने अपने कोना लॉन्च कर दी है जो कि इलेक्ट्रिक वर्जन है। मारुति को सीएनजी से हटके मुझे लगता है कि अब फिलहाल इट्स राइट टाइम टू फोकस ऑन द इलेक्ट्रिक कार्स, अपने इलेक्ट्रिक ऑप्शंस पे उसको ज़्यादा सोचना चाहिए बजाय कि वो इधर उधर ज़्यादा ट्रायल्स करती फिरे। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज का ये शॉर्ट सा वीडियो आपको कैसा लगा, इन्फॉर्मेशन कैसे लगी मुझे कमेंट करके नीचे ज़रूर बताना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।